सुप्रभात बच्चों, आपने कक्षा में बहुत से अक्षर सीखे। आइए उनमें से कुछ अक्षरों को लिखने का अभ्यास करते हैं। जैसे पहला अक्षर क्या है? ए। पहला अक्षर क्या है? ए। ए को बिंदुओं से जोड़ मिलाकर बनाने का अभ्यास करें और नीचे वाली लाइन में आपको खुद ए लिखने का अभ्यास करना है। अगला अक्षर बताइए। जी हाँ, अगला अक्षर है य। अगला अक्षर है य। य से यज्ञ। ऐसे ही बिंदुओं का मिलान करके य बनाना है और नीचे दी गई जगह पर भी य लिखने का अभ्यास करना है। अगला अक्षर देखें। अगला अक्षर है ग। ग से गमला। इसी तरह आपको बिंदुओं का मिलान करके ग लिखने का अभ्यास करना है और यहाँ खाली जगह पर भी ग लिखना है। आखिरी में है अक्षर ब। ब से बर्फी। ब से बकरी। शाबाश। बिंदुओं का मिलान करके ब बनाइए और नीचे दिए गई जगह पर भी खुद से ब लिखने का अभ्यास करें। आइए, रिया की शिक्षिका ने उसे कुछ चित्र व शब्द दिए हैं। यहाँ देखिए, कुछ चित्र हैं और कुछ शब्द हैं। दिए गए शब्दों को पढ़िए और चित्र देखकर सही शब्द पर गोला लगाइए। आपको यहाँ पर दो शब्द दिए हुए हैं, आपको सही शब्द चुनना है और उस पर गोला भी लगाना है। जैसे पहला चित्र किसका है? डाकिया। वेरी गुड, शाबाश। जो चिट्ठी लेके आता है उसको हम बोलते हैं डाकिया। तो पहला है म, ओ की मात्रा, च, ई, मोची। मोची हमारे लिए पत्र लाता है? नहीं, यह गलत है। ड, आ की मात्रा, क को छोटी ई की मात्रा, य को आ की मात्रा, डा की या, डाकिया। जी हाँ, बिल्कुल सही, डाकिया सही जवाब है। इस पर हम गोला लगाएंगे। इसी तरह आप देखें, यह चित्र है पपीता। शाबाश, पपीता। तो देखें हमारे दो शब्द कौन से हैं? प पी ता, पपीता। प क, क को ओ की मात्रा, पकौड़े, पकौड़े। पपीता है या पकौड़े हैं? पपीता, बिल्कुल सही। तो पपीता पे गोला लगा दो। अगला चित्र है मोर। आइए देखें अपने दो शब्द। लड़की, लड़की। म, ओ की मात्रा, र, मोर। बिल्कुल सही, मोर। मोर पर गोला लगाएं। आखिरी चित्र देखें। चाबी। च, आ की मात्रा, ब, ई की मात्रा, चाबी। और अगला शब्द है ब, ए की मात्रा, ल, न, बेलन। तो चाबी पर गोला लगाएंगे, चाबी। और इसी तरह यह कार्य पुस्तिका पूरी करेंगे। धन्यवाद।